जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहां पर आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आए, सरकार दे रही है फ्री गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चलते सरकार 3 महीने तक आपको फ्री वाले सिलेंडर यहां पे दे रही है। अब खास बात दोस्तों इसकी यह है कि आपको डाउट होगा कि ये जो फ्री वाले गैस सिलेंडर वो हमें कैसे मिलेंगे, किस प्रकार आप इसे बुक कराओगे, घर पर भी आपको ये सिलेंडर दे के जाएंगे। दोस्तों मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। साथ में वीडियो लाइक जरूर करते और चैनल पे आप नए तो चैनल भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको सरकार की कोई भी नई योजना आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ में दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने साथ वाले दोस्तों के पास में भी आप जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त ऐसे हैं जिनको ये गैस सिलेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनके पास में पैसे नहीं है, तो उन तक ये स्कीम का फायदा पहुँचना चाहिए, तभी इसका देश के लिए बड़ा फायदा होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं उज्ज्वला गैस लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, 3 महीने में 3 सिलेंडर फ्री दे रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, पूरी न्यूज़ की बात करें तो महामारी के चलते घोषित लॉकडाउन से बेरोजगार हुए उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए ऑयल कंपनियों ने अप्रैल, मई और जून महीनों के सिलेंडर भरवाने की धनराशि लिंक खातों में अप्रैल महीने की 3 से 4 तारीख तक डाल चुकी है। मतलब आपके खातों में ये पैसा है वो 3 से 4 तारीख तक आ चुका है, जिलाधिकारी ने जानकारी दी है। उपभोक्ता अपने बैंक से रुपये लेकर गैस एजेंसी से अपना भरा सिलेंडर खरीद सकते हैं। यहाँ पर 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर लोगों के घर पहुँचाएगी सरकार, फिर भी गैस एजेंसियों पर लगी है ऐसी कतार। मतलब सरकार आपके घर तक ये गैस सिलेंडर पहुँचाने वाली है। पूरी न्यूज़ की बात करें तो लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा लोगों के 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद से ही गाँव कस्बों में लोग सिलेंडर लेने लंबी लंबी कतारें बनाकर उमड़ने लगे। गुजरात में नवसारी जिले के वास्ता तालुका में भी उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वालों की लाइन लग गई। सरकार ने घोषणा की थी कि यहां के 20,000 से ज्यादा लोगों को 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में सिलेंडर के रुपए जमा करने के बाद वास्ता में गैस एजेंसी के सामने लोगों की लंबी लाइन लगती दिखी। यहां पर अधिकारियों ने बताया कि एक दिन में 100 से ज्यादा ग्राहकों को सिलेंडर दिया गया। दूसरी तरफ सरकार द्वारा भेजी राशि लेने के लिए बैंकों में भी लंबी लाइन लगी रही। फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त करने की चाहत में लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने की गंभीरता भी नहीं दिखाई। प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि लोगों को बताया जा रहा है कि सिलेंडर की डिलीवरी गांव में लाभार्थी के घर तक की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी गैस एजेंसी तक लोग लाइनें लगाने पहुँच रहे हैं। इधर बड़ी खबर आई है, 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक मिलेगा आपको ये जो मुफ्त सिलेंडर है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत अधिकारियों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के सभी उपभोक्ताओं के लिए अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त रिफिल की घोषणा की। इसमें 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के लिए सहायता मिलेगी। इसमें 8 करोड़ लाभार्थी 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर मुफ्त में पाने के हकदार होंगे। इसमें अब अप्रैल 2020 की रिफिल लागत का खुदरा मूल्य उज्ज्वला लाभार्थियों के जो लिंक बैंक खाते हैं उसमें स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब जो खाता आपका आपकी उज्ज्वला योजना में लिंक है उसी खाते में आपके पैसे भेज दिए गए सरकार के द्वारा। इससे ग्राहक मुफ्त LPG गैस खरीदने के लिए इस राशि का इस्तेमाल कर सकता है। इधर इंडियन ऑयल ने भी की है बड़ी घोषणा। इसी के साथ इंडियन ऑयल के कर्मचारियों को कार्य के दौरान वायरस से मृत्यु होती है तो कार्मिकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। इंडियन ऑयल द्वारा जो घोषणा की गई है उसके लाभार्थियों में परमानेंट कर्मचारी, LPG शोरूम कर्मचारी, गोदाम पर LPG मैकेनिक और LPG डिलीवरी बॉय के साथ में रिटेल आउटलेट कस्टमर अटेंडेंट, ट्रक ड्राइवर, पेक ट्रांसपोर्ट शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल पे आप नए हो तो चैनल भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के पास में आप जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।